तो दोस्तों देखा जाए तो गेमिंग की दुनिया में काफी कुछ चल रहा है। रिसेंटली हमें काफी सारे फोन्स भी देखने को मिले हैं जो गेमिंग के लिए मतलब स्पेशली बनाए गए हैं, जैसे बात करें आरओजी की तरफ से आने वाले की या फिर लिनोवो की तरफ से आने वाले की। और अभी रिसेंटली हमें एक और नया फोन देखने को मिला है जो कि लॉन्च हो चुका है चाइना में, जिसका नाम है शाओमी ब्लैक शार्क 3S। तो शाओमी की तरफ से आने वाला एक और फोन है। अगर ब्लैक शार्क 3 की बात करें तो वो हमें इस साल के पहले स्टार्टिंग में देखने को मिला था, लेकिन अभी शाओमी अपना नया 3S लेकर गया है। तो बात करेंगे इसी 3S के बारे में, क्या कुछ स्पेक्स हैं और कैसा ये फोन हमें देखने में मिलता है और क्या कुछ इसकी परफॉर्मेंस वगैरह रह सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मार्केट में लिटरली हमें बहुत ज़्यादा फ़ोन देखने को मिल जाते हैं जो गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है। अगर बात करते हैं एसुस की तो इन्होंने अपना आरओजी 3 लॉन्च कर दिया है। अगर बात करते हैं लेनोवो की तो उन्होंने अपना लेनोवो लीजेंड डुअल लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर कहानी नहीं रुकती है। अगर बात करते हैं नुबिया की तो उन्होंने भी अपना रेड मैजिक की सीरीज़ को आगे बढ़ाया है। और इवन मैंने एसुस आरओजी फ़ोन 3 और लेनोवो लीजेंड डुअल के ऊपर तो वीडियो भी बनाया हुआ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो आई बटन में, वहाँ आपको दोनों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे ब्लैक शार्क 3S के बारे में। तो सबसे पहले आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं। ये आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कैसा इस फोन का डिजाइन है पीछे से और कैसा है आगे से। अगर सबसे पहले डिस्प्ले की और डिजाइन की ही थोड़ी बात कर ले तो यहां फोन में आपको ऊपर की तरफ हल्के फुल्के बीजल्स देखने के मिलते हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब गेमिंग फोन में हो सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं स्क्रीन की तो यहां पे आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है। अब एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको 99% इसके अंदर ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है। जो स्क्रीन है HDR10 सर्टिफाइड है, यानी कि यहां पर आप अपने वीडियोस को HDR10 में देख सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस आपका हो जाने वाला है। साथ ही ये जो स्क्रीन है इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा सा कम है अगर कंपेयर करते हैं आरओजी से आरओजी 3 के साथ में, या फिर बात करते हैं लेनोवो लीजेंड डुअल की तो उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना ज्यादा कम भी नहीं है, काफी अच्छा है। इसी के साथ में आपको 270 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही 17 ms की यहां पे टच लेटेंसी देखने को मिल जाती है, मतलब बस आपने टच किया और तुरंत आपका फोन आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा जो कि काफी अच्छी चीज मुझे लगी है। मतलब गेमिंग फोन के अंदर एटलीस्ट ऐसी चीजें हमें देखने को मिले तो अच्छा लगता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखो सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 इसके अंदर आपको मिलता है। जी हां, 865 मिलता है, 865 प्लस नहीं मिलता। इसके बारे में छोटी सी बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अभी के समय में कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी गेम इतना हैवी नहीं बना है जो आपके 865 को पूरी तरह से यूज कर सके। मतलब कोई भी इतना ज्यादा हैवी प्रोसेस आप चाह के भी अपने फोन पे नहीं कर सकते जो इस प्रोसेसर को पूरा यूज में ले ले। तो 865 प्लस पे जाने की तो बात आप छोड़ ही दो। इसके अलावा जिन फोनों के अंदर ये चीज़ दे भी दी गई है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको अपग्रेड देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन भैया आपको खुश होने वाली कोई बात नहीं है, आप कभी उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाओगे। इन फ्यूचर आप सोचोगे कि हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन कंपनी यहाँ पे नहीं रुकने वाली। क्वालकॉम वाले हर साल आपको पता होगा एक नया प्रोसेसर लेके आते हैं, तो अगले साल हमें 875 और 875 प्लस भी देखने को मिल सकता है, और सुनने में आ रहा है आपको 875G भी देखने को मिल सकता है अगले साल। और इस फोन के अंदर ना आपको मतलब एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है अगर रैम कॉम्बिनेशन की बात करें। 3 वेरियंट में बेसिकली ये फोन आता है जहाँ पे आपको 12 GB की रैम तीनों ही फोन के अंदर मिलती है। सिर्फ अगर फर्क है तो वो है इंटरनल स्टोरेज का। 12 GB की रैम आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, दूसरे वेरियंट की बात करें तो आपको 12 GB की रैम 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, तीसरे की बात करते हैं वहां पर 12 GB की रैम 512 GB की इंटरनल स्टोरेज। मतलब रैम का तो आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं, आप बस स्टोरेज के हिसाब से अपने फोन को चूज कर सकते हो। रैम सिर्फ आपको 12 GB की ही मिलनी है इस फोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरा की। तो सबसे पहले पीछे की तरफ आप लोग देख लो यहां पे कैसा इसका डिजाइन है, मतलब अलग अलग कैमरा मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस फोन के अंदर आपको ट्रायंगल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है जहां पे जो आपका प्राइमरी कैमरा है ना वो 64 MP का आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में एक और कैमरा है वो है 13 MP का जो कि आपका एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। मतलब आप कोई ग्रुप फोटोज वगैरह खींचना चाहते हो या फिर कोई बड़ा सा प्लेस है जिसको आप पूरा कैद करना चाहते हो अपने फोन के अंदर तो वो आसानी से आप इस कैमरे के साथ में कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक और कैमरा मिल जाता है जो कि 5 MP का है जो आपका एक डेप्थ कैमरा है, मतलब यानी आपका फोटो में जो ब्लर वगैरह के लिए काम में लेते हो आप कैमरा, वो कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा अगर बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की तो वो आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है जो कि 20 MP का, इसके साथ में आप अपने फोटोज वगैरह बड़े आराम से ले सकते हो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोन की बैटरी के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको 4720 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि मेरे हिसाब से यार देखा जाए तो कम है, मतलब काफी क्लोज है 5000 mAh के, लेकिन अगर गेमिंग फोन आप लोग बना रहे हो तो उसके अंदर आपको बैटरी अच्छी मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 5000 mAh से ऊपर ऊपर हो। जैसे कि आरओजी फोन की बात करें तो वहां पे हमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाती थी, तो वो काफी अच्छी चीज है। इसी के अलावा इसमें हमें जो बैटरी के साथ में चार्जर मिलता है वो मतलब 65 वॉट का मिलता है, आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हो।
हो। और हर गेमिंग फोन की तरह, जैसा मैंने पिछले फोन्स में आपको बताया था, इसके अंदर भी आपको दो चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलते हैं। जो एक है आपका वो 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसके अलावा जो दूसरा वाला है सेकेंडरी वो आपका सिर्फ 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी इसके साथ में आप अपने फोन को चार्ज वगैरह भी कर पाओगे, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो होगा आपके प्राइमरी डिवाइस की जो स्लॉट है उसके मुकाबले। अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ एडिशनल फीचर्स की। तो फोन के अंदर आपको शोल्डर बटन्स मिल जाते हैं। भाई यार शोल्डर बटन्स क्या होता है आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो एयर ट्रिगर्स आपने सुना होगा, मतलब फोन के साइड में से होता है, हल्का सा आपको टैप करना है उसके ऊपर और आपका फोन काम करना शुरू कर देगा। तो वही चीज है, नाम अलग है आपको लेकिन वही मिलता है। और गेमिंग फोन के अंदर ये चीज अगर आप नहीं देते तो किस बात का गेमिंग फोन है, तो ये चीज भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। साथ ही 3.5 mm की ऑडियो जैक, मतलब सबकी प्यारी होती है वो, ताकि आप अपने फोन में आराम से गाने वगैरह सुन सको, माइक वगैरह यूज कर सको, और गेमिंग फोन के अंदर तो होना भी चाहिए, तो वो चीज भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। और साथ ही आपके फोन को ठंडा रखने के लिए लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी आपको इस फोन के अंदर मिल जाता है। अगर बात करें तो फोन एंड्रॉइड 10 पे चलता है, इसके अंदर आपको ना तो MIUI मिलता है ना ही इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, जैसा कि अभी Xiaomi अपने कुछ फोन्स में लेकर के आता है। इसके अंदर आपको JoyUI 12 मिलता है, और जैसा मैंने बताया एंड्रॉइड 10 के साथ में ही काम करता है, तो ठीक ठाक तरीके से काम कर लेता है। और JoyUI मेरे ख्याल से कोई गेमिंग के लिए स्पेशल इन्होंने कस्टमाइज UI होगी, वही इन लोगों ने अपने फोन के साथ में दी है। फोन जो है आपको दो अलग अलग कलर ऑप्शंस में मिल जाता है। जो पहला है वो आपका मिल जाएगा आपको स्काई फॉल ब्लैक, आप देख सकते हो, दूसरा आपको मिल जाएगा क्रिस्टल ब्लू। तो अभी के लिए दो कलर ऑप्शंस, अगर वेरिएंट की बात करें तो मैंने तीन आपको बताए थे, लेकिन अभी दो की प्राइसिंग रिवील हुई है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो अभी यहां पर दो वेरिएंट की ही प्राइसिंग इंट्रोड्यूस कराई गई है, हो सकता है तीसरे वाले के वो लोग बाद में कराएंगे, अभी के लिए ना कराई हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो जो पहला इनका वेरिएंट है जिसमें 12 GB की रैम आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, उसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया के हिसाब से लगभग 43,000 रुपए बैठती है। हालांकि इंडिया में ये फोन अभी नहीं आया है, इसको आने में इंडिया में टाइम है, और हो सकता है शायद Xiaomi प्लान करे या ना करे इस बारे में। लेकिन दूसरा जो वेरिएंट उसकी अगर बात करें तो वहां पर आपको 12 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। उस फोन की कीमत लगभग 51,000 रुपए, हालांकि युआन में इसको बताया गया है, लेकिन मैं आपको इंडियन प्राइस बता रहा हूं ताकि आप लोग को एक बेहतर आइडिया मिल पाए। तो देखते हैं Xiaomi क्या करता है इस फोन के साथ में, कभी इसमें इंडिया में लाने का प्लान करता है या फिर नहीं करता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में यही था, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या चीजें थी इस फोन के अंदर जो आपको पसंद आई या फिर पसंद नहीं आई, और अगर कंपेयर करें ROG 3 से या फिर Lenovo Legion Dual से तो आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी सवाल है कैसा भी कुछ भी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, मुझसे बात करना चाहते हो मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। मैं मिलता हूं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।